बाने और कौन बात है अब शुद्ध शब्द में सुना भोजपुरी में पगला गई बाने ठीक बा सुना अब भोजपुरी में अब बहुत हिंदी में बात हो गई बहुत हिंदी में बात हो गई भोजपुरी में अब अखिलेश यादव पगलाई ला रहते हैं तो जो न इलाका में जाता है तो वो फारसा लेके खड़ा होता है कोई गाता लेके खड़ा होता है कोई तीर धनुष लेके खड़ा होता है अरे तनी एक बार जय श्री राम के नारा बोल के भगवान लेके लहरा के देखा जनता का कहीं जाके ठीक बा अखिलेश यादव के खाली हम इतने कहल चाहते नहीं कि पगलाइल बाड़ा ना देगा 11 तारीख का तारा जाए बने लंदन चल जा लंदन चल जा तू तारे जा यूपी में कोनो कार्य नहीं कोनो कार्य नहीं है ठीक बा नहीं है अखिलेश यादव का नशा नहीं है जो काशी की बुराई किए हैं वो शंकर जी का प्रताप है कि भांग का नशा चढ़ गया है असल में समझ नहीं रहे अखिलेश यादव को देखे होंगे वो बार बार ऐसे ऐसे करते हैं बार बार वो ब्रांडेड स्मैक है भाई साहब वो गांजा नहीं है वो जहाँ पढ़े हैं वहाँ से ब्रांडेड स्मैक इसीलिए वो करके और नाक पे ले जाते हैं उनको देखिएगा ऐसे करके और नाक पे ले जाते हैं वो ब्रांडेड स्मैक है वो बाहर पढ़े हैं ना यहाँ अगर गुरुकुल में पढ़े होते तो यहाँ की सभ्यता जानते वो आप उनके बाप भेज दिया अंग्रेजों के साथ तो जो अंग्रेजों ने भारत के साथ किया अगर अखिलेश यादव जीतेंगे तो वही करेंगे अखिलेश यादव एक बार फिर कह रहे हैं कि जो लोग एक बार अखिलेश यादव फिर कह रहे हैं कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वो भाप नहीं निकाल पा रहे हैं भाई साहब गर्मी निकल जाए इनके इनके राज में गुंडे मवाली थाना छकाते थे जितने अपराधी हैं किसके जमाने में पैदा हुए जरा बता दें पूरे प्रदेश में जितने अपराधी हैं किसके राज में पैदा होते हुए अगर जोगी जी वहाँ मुख्यमंत्री होते उस समय तो जब पेड़ पौधा होता है कोई बीमारी जब शुरुआत होता है उसी समय अगर रोक दिया जाए तो बीमारी बढ़ती नहीं है लेकिन जानबूझ के अपराधियों को पैदा करके उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया गया यह मुलायम सिंह के खानदान की देन है उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाना उनके पूरे जीवन में मथुरा काशी और अयोध्या का नाम नहीं आया आज जब वोट लेना है तो काशी और मथुरा याद आ रहा है आज वोट लेना है तो इसके पहले कहाँ गए थे बात की वो परशुराम को याद कर रहे हैं फरसा लेके चल रहे हैं आज तक ब्राह्मणों का कोई 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 योगदान नहीं रहा है यादव की सरकार में बड़े भैया बस यही है योगदान नहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास दिया हमने गोरखपुर को पूर्वांचल को विकास दिया हमने विकास हुआ है जनता से यहाँ पूछिए विकास हुआ है कहाँ हुआ है आर्केस्ट्रा जहाँ होते रहे में होते रहे 300 करोड़ ए जा हमारी योगी जी जब भूमि पूजन करावे नहीं तो थैली में खोजे पड़ता के दादा कहाँ बा रुपया कि हम पंडित जी के चढ़ावा चढ़ाए बोले 300 करोड़ के नाच होता सोचे वाली बात बना जनता सोचत नहीं खे विषय अब हम सहबे की तरह गोरखपुर का विकास करेंगे जितना विकास रहल हम छोड़ दीजिए सारी दुनिया छोड़ दीजिए मैं कुछ नहीं जान पूरा दुनिया छोड़ दीजिए मैं कुशीनगर की विकास की बात कर रहा हूँ जितने विकास होते थे लखनऊ के आगे होते थे लखनऊ के इधर नहीं होता था ठीक है यही सच्चाई है अरे भाई यहाँ जितने अध्यापक आप प्राइमरी के टीचर देखेंगे सब इटावा मैनपुरी के आके यहाँ भर्ती पड़े हैं इतनी बड़ी लिस्ट शिवपाल यादव लेके वहाँ से भेजते थे पुलिस की भर्ती में वही लिस्ट थी क्या कहिएगा एक बार राम गोपाल यादव कहे एक आईएस को राम गोपाल यादव कहे कि इसको सजा देना है तो कुशीनगर देवरिया भेज दो उनके लिए कुशीनगर देवरिया माने पूर्वांचल सजा है यह राम गोपाल यादव का बयान है हम सजा के रूप में कुशीनगर में एक मंत्री भी दिए तो जानते हैं कौन सा मंत्री होमगार्ड माने हमारी औकात कुशीनगर और गोरखपुर की औकात होमगार्ड से अधिक नहीं है ये मुलायम सिंह का परिवार समझता है समझ लीजिए इस बार उनको उनकी औकात बता के बता देंगे कि यह पूर्वांचल है यह रामकृष्ण की धरती है यहाँ से सनातन का उद्भव हुआ है अब अयोध्या मथुरा काशी है ना हो गया अब मथुरा की बारी है अयोध्या काशी हो गया अब मथुरा की बारी है
और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत जारी है। भैया एक मिनट, एक आम एम्बुलेंस की भर्ती हम जीबीके ईएमआरआई कुछ लखनऊ जाते थे यहाँ से या गोरखपुर भर्ती में, अखिलेश सरकार में 2014 के पहले 30,000 रुपया एक पायलट से ड्राइवर जो चालक रहता उससे घूस लिया जाता था, सुन लीजिए 38,695 हमारा जो रोल नंबर है, हम सचिवालय में चालक के लिए भर्ती हुए थे लखनऊ सचिवालय में, यही राजकिशोर यादव जी हमारे यहाँ के जो सचिव थे महासचिव थे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री थे उनके प्रिय थे, जगन्नाथ हमारे यहाँ के जगन्नाथ सिंह हैं उनको 3 मरतबा ले गए लखनऊ, हम बेरोजगार थे हमारे पास खाने तक की, हम उनको बस से बैठा के ले जाओ, वहाँ जाने के बाद भैया 9 लाख रुपए का डिमांड हुआ, एक आम आदमी कहाँ से लाएगा आप बताइए, इस समय की स्थिति बता रहे हैं, जितनी वैकेंसी हुई है जितनी नौकरी हुई है सफा हुआ है, मायावती जी के बहन मायावती जी हम बाबू साहब हैं यहीं बगल के, बहन मायावती जी के सरकार में एक भर्ती हुई थी पुलिस की 2009 में, हमारे भाई साहब हैं इसी में ड्यूटी लगी हुई है, एकदम निस्वार्थ भाव से हुआ था, आज अगर आप मानेंगे तो इस सरकार को अखिलेश सरकार को 10 तारीख को आप कह रहे हैं ना कि बाप बन के, बाप नहीं भैया बर्फ बन जाएंगे आप, बर्फ बन जाएंगे, जय श्री राम। हम देखिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर सबको जीना है, जैसे कि हम हमारा घर है आप आए भाड़े पर रह रहे हैं, हम जिस तरह कहेंगे जितनी बजे तक उतना ही बजे तक दरवाजा खुलेगा, न कि आपके मर्जी से खुलेगी, अगर आपको हमारे घर में रहना है भैया आप अपने हिसाब से रहिए, अपना अस्तित्व बचा के रखिए, नहीं तो बाबा की बुलडोजर रिपेयरिंग से 10 तारीख को हम लोग निकाल रहे हैं भैया, हम भैया एक मिनट हम खुद 20 साल भैया एक मिनट, हम 20 साल मेट्रो मुंबई में बुलडोजर चलाए हुए हैं और ज्यादा परेशान हो गए भैया आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, चाहे गोली मरवा दे अखिलेश यादव हमको डर नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जब तक हम कुशीनगर विधानसभा में हम रहेंगे हम अखिलेश यादव का सरकार बनने नहीं देंगे। भैया ज्यादा परेशान करेंगे तो हम ड्राइवर भी बन जाएंगे बाबा जी के, हम ड्राइवर खुद बुलडोजर के ड्राइवर हैं भैया, बम्बई जैसे शहर में बुलडोजर चलाए हैं 20 साल, महाराष्ट्र में चलाए हैं कुछ दिन, हम शिवसेना में रह चुके हैं वहाँ के भी बुलडोजर हम चला चुके हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी का भी बुलडोजर हम चलाए हैं जब बीजेपी गठबंधन में था, अब यहाँ के लिए बता रहे हैं भैया हम तो बेरोजगार हैं, एक छोटी सी मशीन लगाए जब इन लोगों के सरकार से हम परेशान हो गए, हमारे गले में बीमारी हो गई बैठ गए घर आकर नहीं काम कर पाए, परेशान होकर एक छोटी सी पत्तल बनाने की मशीन लगाए हुए हैं, बात समझिएगा छोटी सी रोजगार, ये साले के राज में हम बम्बई से आते थे एक चपटा ढूंढना पर भैया कौन शिफ्ट चला था लाइट के जैसे ड्यूटी चलती है रात के बाद भैया दिन के बाद, आज हमारी मशीन पर चलिए 500 बोरा पत्तल और कटोरी रखा होगा, अगर दो घंटे में बता रहे हैं जितने लोग यहाँ जनसभा में कम से कम 10,000 लोग जुटे थे, अगर उनको थाली प्लेट चाहिए तो हम तुरंत क्यों कि सरकार की व्यवस्था इतनी कड़क है, पहले यहाँ से विधायक जी के यहाँ जाके लाइट के लिए कहा जाता था, आज एक आम आदमी पावर हाउस पे फोन करता है तो बिजली की व्यवस्था खड़ी रहती है 18 घंटा से 20 घंटा, एक ग्राम सभा में लाइट जहाँ आप खड़े हैं 24 घंटा लाइट कुशीनगर में, यही बदला है कुशीनगर में, यही बदला 100%। मैं बस एक शब्द आपसे कहना चाहूंगा और पूरी जनता से कहना चाहूंगा कि जब अभी अमित शाह थोड़ी देर पहले 12 और 11 की जब बात किए थे लैपटॉप बंटवाने की, तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं ठीक है जो भी समाजवादी के सपोर्ट करते हैं, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूंगा अगर अमित शाह का अगर वो वीडियो देख रहे हैं कि 12 के बाद 11, अरे जुबान है सबसे गलती होती है, कम से कम ये बताइए जिनको ये पता नहीं है कि हमारा प्रदेश की राजधानी क्या है और हमारे देश की राजधानी क्या है, अभी अखिलेश यादव जी बोले थे ठीक है अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है ठीक है, आप लोग को बेहतर पता होगा ठीक है कि हमारे देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी बताने में थोड़ा सा डिस्टर्ब्यूज हो गए थे। मैं बताता हूं भैया 2017 के बाद बदला क्या है, बदला ये है कि 2017 से पहले आज तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने गोरखपुर का विकास कराना है, गोरखपुर का विकास मैं बताता हूं क्या हुआ, 2017 से पहले जब हम गोरखपुर से अगर लखनऊ के लिए जाते थे या कहीं और पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां के लोग हम लोग को बिहारी कहते थे, गोरखपुर का नाम आता ही नहीं था कि हम लोग यूपी के हैं, बिहारी कहा जाता था हम लोग को, 2017 के बाद जब से योगी बाबा हम लोग के मुख्यमंत्री हुए हैं तब से गोरखपुर क्या कुशीनगर कसया लोग जानते हैं कि बिहार नहीं है वो, ये यूपी है, योगी बाबा का यूपी है, बुलडोजर वाले बाबा का यूपी है, ये बदला है, ये बदला है। तो आज
आज हम कुशीनगर में हैं, ये जनता की राय है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा आखिर सरकार किसकी होगी। धन्यवाद। परिसर में मुस्लिम भाई हैं, लेकिन जाके पता कर लीजिए कितने सुरक्षित हैं। अखिलेश के राज में पूरे प्रदेश में 42 दंगे हुए थे, याद है ना? जी बिल्कुल। तो किसके कहाँ, जोगी जी के राज में हुआ एक भी? बुलडोजर का कमाल है, दर्द वही है जो अखिलेश यादव परेशान है कि इस देश में बाबा जी के राज में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। असली कारण यही है, इसीलिए वो आए। पूरा कर पाए क्या अपना रैली? नहीं कर पाए ना। अपना जो रोड शो था उसको बीच में छोड़ के भाग गए। क्यों छोड़ के भाग गए? उनको पूरा करना चाहिए था ना। आएंगे अमित शाह जी के साथ, बाबा जी का रोड शो है, देखिएगा कैसा होगा। इतिहास नहीं बनेगा तो कहिएगा कोई? तो वही कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव असली, देखिए दो तरह के यादव हैं, एक यादव हैं कंसवंशी और एक यादव हैं कृष्णवंशी। तो अखिलेश यादव कंसवंशी हैं, पूछिए क्यों? इसलिए कि कंस भी अपने बाप को गद्दी से उतार के गद्दी लिया था, और अखिलेश यादव भी अपने बाप को गद्दी से उतार के गद्दी पाए हैं। तो और भगवान कृष्ण कंस को कंस का वध करके और उनके पिता अपने नाना को गद्दी दिए थे। तो इस समय जो जोगी जी हैं वह कृष्ण के अवतार के रूप में पुनः इनको पिछली बार गद्दी आसीन किए थे। अब देखिए सुशासन पूरे प्रदेश में, जो ये गुंडा माफिया जितने होते थे, भाई साहब यही सड़क है मैं देखा हूँ, 786 नंबर की फॉर्चूनर, कोई टोल नहीं देते थे मुख्तार अंसारी, कोई टोल नहीं देते थे अतीक अंसारी, पूछिए इन लोगों से। और फॉर्चूनर की लाइन, फॉर्चूनर की लाइनें होती थी लंबी और सनसन सनसन लेके निकलते थे। जानते हैं हमारे जिले में सबसे बड़ा रोड कौन बनवाया था? दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, या पड़ौना वहाँ पूरा उधर एक सड़क देख रहे हैं ना, वो सड़क जानते हैं कौन बनाए थे? मुख्तार अंसारी। हमारे प्रदेश में अखिलेश के राज में सबसे बड़ी रोड की कंस्ट्रक्शन की कंपनी जानते हैं किसकी थी? मुख्तार अंसारी की। इसका जवाब देंगे अखिलेश यादव? पूछिएगा जाके उनसे, अखिलेश यादव की हिम्मत है तो जाके बताएं, उनकी औकात नहीं है अखिलेश यादव की, समझ रहे हैं? दूसरे सबसे बड़े कंपनी के मालिक कौन थे? अतीक अहमद, माने प्रदेश के जितने बड़े गुंडा उतना बड़ा वो कंस्ट्रक्शन कंपनी। और आज रोजगार की बात कर रहे हैं, जब गुंडे ही कंपनी खोलेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा भैया? जब गुंडे ही कंपनी के मालिक होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? समझ रहे हैं ना? इसी वजह यही कारण है कि हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, और पूरे देश में धक्का खाना पड़ता है नौकरी के लिए। 15 साल मुलायम सिंह थे, 15 साल मायावती थी, उसके पहले कांग्रेस थी। वहाँ अगर इंडस्ट्री लग सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग सकती है? क्या इसका जवाब अखिलेश यादव देंगे, उनके बाप देंगे कि मायावती देंगी? कौन देगा? आज जिन प्रश्नों को अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूँ, एक उत्तर प्रदेश का आम नागरिक पूछता है कि हमारे बच्चे अपने बाप की लाठी बनने के लिए, अपने बहन की शादी के लिए, अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए इन प्रदेशों में धक्का खाने क्यों जाते हैं? कौन मालिक था? यह राम और कृष्ण की धरती है, ज्ञान की गंगा बहती है। हम 20 रुपए के पंचांग में पूरे ब्रह्मांड की गणना बता देते हैं। उस धरती के बच्चे जाके दुनिया पूरे देश में धक्का खाएं? क्यों भाई? कौन जवाब देगा इसका? पूछता है एक आम नागरिक, पूछता है उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव, अगर आपके माँ ने दूध पिलाया है और कहते हैं भगवान कृष्ण के सपने में आते हैं, तो बताइए कि हमारे बच्चे धक्के क्यों खाते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कान पकड़ के अखिलेश यादव माफी मांगेंगे इसके लिए, अपने बाप के कुकर्म के लिए? देखिए कारण है, अखिलेश यादव का DNA ही खराब है। अखिलेश मुलायम सिंह के पिताजी माने अखिलेश यादव के दादा, उनके जमाने में उस इलाके में जितनी गाय भैंस की चोरी होती थी सब इन्हीं के घर पाली जाती थी, इसीलिए वो टोटी भी चुरा लिए। ये खानदानी चला आ रहा है। अब हमारे जोगी जी को देख लीजिए, गोरखनाथ
गोरखनाथ मंदिर को हटा दीजिए तो जोगी जी 5 रुपए का मालिक नहीं है, सिर्फ 2 कपड़ा, वह जो भगवा कपड़ा है उसके अलावा उनके पास, अगर हटा दीजिए गोरखनाथ मंदिर तो उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं कि नहीं लखनऊ में, इसका जवाब दें, पैसा कहाँ से आया? अगर मुलायम सिंह का परिवार लाखों करोड़ का मालिक है तो, और पूरा परिवार ब्लॉक प्रमुख से लेके और सारा पद उनके पास है, क्यों है भैया? बाकी लोग देश में नहीं हैं, बाकी लोग इस देश में नहीं हैं, यही यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इस कोरोना काल में जोगी जी के पिताजी भी मर गए थे, लेकिन कहेगी यह उत्तर प्रदेश की जनता हमारी गार्जियन है, यह उत्तर प्रदेश की जनता हमारी मालिक है। मैं अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा, मैं जनता का काम करूंगा। अखिलेश यादव कहाँ थे कोरोना काल में? आप लोग पूछिए कोरोना काल में अखिलेश यादव कहाँ थे? किसी के घर दिखाई नहीं दिए। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जिस दिन ठीक हुआ उसी दिन जनता के बीच में अपना सामान लेके जो भी उसके पास उपलब्ध था उपलब्ध हो गया, जनता का सेवक वह है, इसलिए हम गर्व करते हैं। मुलायम यही अखिलेश यादव के समय कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेला में कौन मालिक था? आजम खान। अखिलेश यादव के सपने में जब कृष्ण आते हैं तो किसी यादव को ही बना देते, जो कहता है भारत माता डायन है उसको बना दिया जाएगा कुंभ का मालिक, उसको बनाया जाएगा। ये पूछता है उत्तर प्रदेश का हर बच्चा, हर माता बहन। वो कह रहे हैं कि हम योगी जी को मठ से बाहर करने का काम करेंगे। अरे जोगी जी संत हैं और यह धरती संतों की है, हमारा या ऋषि राशि मनुष्यों की धरती है, जो आतंकवादियों को छोड़ता है उसके बस की बात नहीं है। जितने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बम कांड हुआ, अयोध्या में बम कांड हुआ, बनारस में बम कांड हुआ, उन सारे आतंकवादियों को जमानत पे कौन छोड़ा? अखिलेश यादव बताएं, वही छोड़े हैं, बेल दिए हैं, उसके बाद से उनको छुड़वाए हैं। तो भैया चूंकि वो जिन्नावादी हैं, ठीक ना, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो रामवादी हैं, तो एक तरफ यह लड़ाई भगवान, यह लड़ाई जिन्ना बनाम जय श्री राम का है, और यह धरती राम और कृष्ण की है, समझ रहे? धन सिन्हा जी यहाँ आए थे छात्र संघ का उद्घाटन करने में, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने एक अखिलेश यादव को 3 यादव में बांटा, जिनको खाली यादव बताया, पक्का नहीं भी है, खाली पूरा भी नहीं है, खाली यादव, इतना ही शत्रुघ्न सिन्हा जी ने दिया था उनका। कल हमने एक सीन देखा जब वो रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने उनके सपाई ने प्रत्याशी जो महिला प्रत्याशी हैं उनको रोने का ढोंग करने का कहा और उसके बाद जो हुआ वो सब मीडिया के सामने। अरे अरे समाजवादी पार्टी के लोगों को देखे होते, नेता लोग जाके गांधी जी के पास पैर पकड़ के रो रहे थे, याद है? तो ये पूरा परिवार ही ढोंग पे रचा हुआ है, ढोंग के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे भाई ढोंग की बात क्या करते हैं, ढोंग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अखिलेश यादव जहाँ से पढ़ के आए हैं, अखिलेश यादव जिस ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है 1 महीना के लिए हमको जोगी को दे दो, वह कहता है जहाँ से वह पढ़ के आते हैं, आके अखिलेश यादव को बाबा का चरण धोके चरणामृत लेकर पी के और आशीर्वाद लेना चाहिए कि बाबा जी हमको भी कुछ इस तरह से सिखा दीजिए, हमको भी कुछ इस तरह के सिखा दीजिए कि हमको भी दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहें कि एक बार अखिलेश को दे दो, या बाबा का चरण धोके पी के अखिलेश को सीखना चाहिए। अखिलेश यादव अपने परिवार के अलावा किसी और का कुछ किया है तो बताइए आप? अखिलेश यादव अपने परिवार के अलावा किसी और का कुछ नहीं किया है? नहीं किया है। जीता है अखिलेश यादव जी, जात बात कर रहे हैं, मेरा बस चले तो अखिलेश यादव जी को हम घर फेंक दें। मोदी जी राम, योगी जी हनुमान, मोदी जी राम, अखिलेश जी योगी जी हनुमान, मोदी जी राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव के सरकार में सिर्फ गुंडा राज था और योगी जी ने सारे गुंडों को भगाने का काम किया है, सभी गुंडे आज सभी गुंडे जेल में।
कहते हैं ना अखिलेश यादव की गरीबों की बात हो रही है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी है ना भाई साहब, दलितों की बात करते हैं, बहुत सामाजिक समीकरण बनाते हैं अखिलेश यादव। जब करो यही कुंभ चल रहा था तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी वहाँ जो सफाई कर्मचारी थे, जो पोछा लगा रहे थे, टट्टी साफ कर रहे थे, उनको बिठा के और उनके पैरों को साफ किए और अपने माथे पे लगाए। यह है भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, यह है हमारे प्रधानमंत्री का संस्कार। हमें गर्व होता है अखिलेश यादव का पूरा खानदान नहीं किया है। अखिलेश यादव का पूरा परिवार किसी एक दलित का पैर धो के दिखा देगा, उस दिन मैं भी समाजवादी पार्टी का को स्वीकार कर लूंगा। कभी नरेंद्र मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जी राम, योगी जी हनुमान, नरेंद्र मोदी जी योगी जी हनुमान। अखिलेश यादव लोगों का पैर क्या धोएंगे, उन्हीं के पिताजी कार से वो कोपे गोलियां बरसाए थे, उन्हीं के सपने में कृष्ण भगवान। अरे मैं खुद था उसमें, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, विवादित ढांचा गिराने वालों में से मैं हूँ, मैं वहाँ था। यही के सांसद थे पंडित रामलिंग मिश्रा, उन्हीं के साथ मैं विवादित ढांचा गिराना गया था। उसी एक साल पहले पूरा सरजू लाल हो गई थी। तो आप भी दंगाई है, आप भी दंगाई है। एक बात बताइए, अगर ढांचा गिरा, एक बात बताइए, हम राम, यह रामकृष्ण की धरती है, क्या हम काबा में जाके पूजा करेंगे? हमारे जो पहचान है भारत की, या हम जाएंगे वो अंग्रेजों का जहाँ है इटली? भाई साहब, यह चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यह राम की धरती है। और वहाँ अखिलेश और गर्व से कहते हैं उनके पिताजी कि मैंने कारसेवकों पे गोली चलाई, तो जवाब जनता दे रही है। उनके पिताजी की भी हालत खराब है ना, उन्हीं का बेटा उनको गद्दी से उतार के दंड दे रहा है। योगी जी ने हमारे दबी सभ्यता संस्कृति को उभारने का कार्य कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर अखिलेश यादव आजकल नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं, कल भी हमने रोड शो में देखा।